जोर में जोश में खुदावंद तेरी खिदमत करते रहे जिंदा पाक खुदावंद। अपने भाई बिशप पालू साहब के लिए खुदावंद सलामती और बरकत को मांगते हैं, सारे घराने खानदान के लिए सलामती को मांगते हैं जिंदा पाक खुदा। आज के वाइज जिंदा पाक खुदा पास्टर मकबूल साहब के लिए खुदावंद जो तेरे पाकलाम की मनादी करने वाले हैं खुदावंद, उनको तेरी हजूरी में अभी से पेश करते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद तेरे पाक रूह का बहाव तेरे बंदा पर ठहर जाए, तेरे पाक रूह का मसा तेरे बंदा पर ठहर जाए जिंदा पाक खुदा, ताकि जब तेरा ममसूह तेरे पाकलाम की मनादी करे तो खुदावंद बहुत सारी जिंदगियां आज़ाद हों बहाल हों जिंदा पाक खुदावंद। जलाल खुदावंद परस्तिश में तो हमारे साथ साथ रहना, तेरे खादम बेटे के लिए खुदावंद जो तेरी परस्तिश करने को है खुदावंद तेरे पाक हजूर में पेश करते और साज बजाने वाले हाथों को भी तेरी हजूरी में देते हैं जिंदा पाक खुदावंद, इंतजाम करने वाले हाथों को भी तेरे हजूरी में देते, तेरा शुक्र अदा करते। आप आ खुदावंद तो सारे वक्त में हमारे साथ रहना, ये सब कुछ हम तेरे पाक नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन हालेलुया। आइए हम प्रस्तुत करते हैं खुदावंद की हजूरी में अपने हाथों को अपने लबों को इस्तेमाल करते हुए उसके पाक नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, हालेलुया। भाई के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे, नया सिर रखा दुनिया ते नया सिरा लेना है, ओ मैंने जो कुछ चाहिदा यीशु नू कहना नया सिर रखा दुनिया ते नया सिरा लेना है, मैंने जो कुछ चाहिदा यीशु नू कहना है, मेरी हर आरज़ू सब जग बाबा मेरी हर आरज़ू तेरा चेहरा तेरा बिन तेरे हर कदम ना गिर जाऊंगा, बिन तेरे हर कदम बिना चल पाऊंगा, गिर गया कर तो न संभल पाऊंगा, ए पाखिर ए पाखिर नया सिर रखा दुनिया ते नया सिर लेना है, ओ मैनू जो कुछ यीशु नू कहना है, नया सिर रखा दुनिया ते नया सिर रखा दुनिया ते नया सिर लेना है, नया सिर रखा दुनिया ते
देता है। जब हम उसकी हजूरी में झुकते तो अपने आसमान को खोल देता, हमारी हर तरह की जरूरियात को पूरा करता, हमें जिंदगी बख्शता और जिंदगी की नेमतें अता कर देता। हालेलुया, उस यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह हम भाई के साथ मिलकर खुदा उनकी हजूरी में प्रस्तुति करेंगे, अपने हाथों को अपने लबों को इस्तेमाल करते हुए उसकी हजूरी में रहेंगे। कायम यहोवा यार, कायम है तक तेरा, कायम यहोवा यार, कायम है तक तेरा, तू बात तेरे आंदे, तू बात तेरे आंदे, तब तब मैं
आइए सभी अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। सभी आंखें बंद कर लें, थोड़ी देर के लिए हम सभी दुआ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। सभी आंखें बंद हो जाएं, जब दुआ के लिए बोला गया है तो सभी आंखें बंद कर लें। हालेलुया हालेलुया। खुदा उनकी हजूरी के लिए कि खुदा उन हमारे दरमियान है, प्रस्तिश के लिए कि हम मजीद प्रस्तिश हम खुदा की हजूरी में करें। हमारे दरमियान बेटी मैरी हैं, वो आएंगी और दुआ में रहनुमाई करेंगी। हालेलुया यस हालेलुया हालेलुया। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। कदूस कदूस जिंदा समानी बाप, तेरे हजूर में झुकते तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की खूबसूरत शाम के लिए जो बख्श दिया हम तेरे घर में और तेरे नाम को जलाल देने वाले हैं। आसमान बाप, बैठी हुई जानों पे तेरे पाक रूह की आग को मांग लेते हैं। आसमान बाप, जो लोग तेरे घर में आने का इरादा रखते हैं उनको जल्द से अपने घर में ला, ताकि तेरा घर तेरे मेहमानों से भर जाए। हम सब मिल बैठ के तेरे नाम की प्रस्तिश करने वाले हो। आसमान बाप, तुम्हारे दरमियान मौजूद है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आसमान बाप, हमारी दुआ को सुनना। आसमान बाप, जो भी गीत ज़बूर तेरे हुज़ूर में गाया जाए हम सब के लिए बरकत और सलामती का बायस हो। हालेलुया। हम इसी तरह प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए भाई के साथ मिलकर और ज्यादा प्रस्तिश करेंगे। अपने हाथों को अपने लबों को इस्तेमाल करते हुए खुदा के पाक नाम की इज्जत और जलाल देते हुए बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हसी
ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਸੂ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਗ ਹੁਣੇ ਆ ਵਜਾਇਆ
रब सानू प्यार करता है। रब हमें प्यार उस वक्त करता है जब हम उससे प्यार करते हैं, जब हम उसकी हजूरी में आ जाते हैं, जब हम उससे दूर भागते हैं तो वो भी हमसे दूर चला जाता है। जरूर है कि हम उसकी हजूरी में आए ताकि वो हमसे प्यार करे। हम इसी तरह प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए हमारे दरमियान भाई मंजूर हैं, वो आएंगे, हम मजीद प्रस्तिश उनके साथ मिलकर करेंगे। आपकी जोरदार तालियों में खुदा के बंदा को दावा देते हैं कि आए और हमारे साथ मिलकर प्रस्तुत करें। और अब हम सब अपने हाथों को, अपने लबों को इस्तेमाल करते हुए खुदा की हजूरी में रहकर प्रस्तुत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए, उसके पाक नाम के इज्जत और जलाल देते हुए, उसकी हजूरी में रहते हुए, उसका डर और खौफ मानते हुए, क्योंकि जब हम उसकी हजूरी में आते हैं तो वह अपने आसमान को खोल देता है, वो हमारे लिए अपनी बरकात को नाजिल करना शुरू कर देता है। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो हमें देता है, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं भी होती वो भी हमें अता कर देता। वो जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हालेलुया। हम इसी तरह प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए भाई के साथ मिलकर प्रस्तुति करते हैं। ज़ोरदार प्रस्तुति के लिए खुदा के ज़िम्मे ज़ोरदार तालियाँ बजाएंगे एक बार। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र यीशु के लिए अपनी जलाल व बरकत नामे सभी बहनों बेटियों को भाइयों को खुदा के खादिमीन को सलाम। शुक्रगुजारी करते हैं खुदाबाद की कि जिसने बहुत खूबसूरत वक्त हमें अता किया कि सदों में आकर उसकी मदद से। हालेलुया, हालेलुया। आए एक बार सौरभ तालियां बजाएंगे खुदा उनको चला के। आए सभी अपनी आंखों को बंद कर लो। खुदा के और ज्यादा गहरे मस्सा को, और ज्यादा गहरी ममूरी को, और ज्यादा रूह के बहाव को इस जगह पर मांगेंगे। हालेलुया। दुआ करें, दुआ करें, सभी दुआ करें। तेरा चला आता तेरे हजूर
सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, हमारा खुदावन पाक है, वो चाहता है कि हम भी पाक और साफ होकर उसकी हजूरी में आए। हालेलुया, हम इसी तरह संजीदगी में खुदावन की परस्तिश करते हुए उसके पाक नाम को इज्जत और जलाल देते हुए उसकी हजूरी में रहकर अपने हाथों को लबों को इस्तेमाल करते हुए परस्तिश करेंगे। भाई के साथ मिलकर परस्तिश करते हैं। का बंदा दाऊद कहता है कि खुदा तो मेरा चुपान है, मुझे कभी। हालेलुया, मेरा चुपान मेरा निशान यीशु मैनू खोल दा।
पत्तियों से अपने खो दिए मेरी सूरत पावे तूफान आवन पावे
हालेलुया। इसी तरह हम अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए हम दुआ करेंगे। आइए सभी अपने सरों को झुकाते हैं, दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सभी आंखें बंद हों और दुआ करेंगे। हमारे दरमियान पास्टर साकिब हैं, वो आएंगे, पास्टर आसिम साहब आएंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे। मजीद प्रस्तिश के लिए, खुदावंद के जोरदार मसा के लिए, के खुदावंद का पाक रूह हमारे दरमियान है। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे। अब आप यीशु के नाम से तेरी हजूरी के अंदर आते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कुदूस खुदावंद, इस सारी इबादत के लिए खुदावंद, सारी वर्शिप के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, जो हम मिलकर खुदावंद तेरी हजूरी के अंदर सरनगु हैं और खुदावंद अपनी आवाजों को बुलंद किए हुए हैं। खुदावंद इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, ब्लड ऑफ जीसस के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, और कुदूस खुदावंद जितनी वर्शिप की गई है इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, और अभी खुदावंद जो वर्शिप होने वाली है और जो तेरा बेटा खुदावंद वर्शिप करने वाला है, अभी से तेरे हाथों के अंदर देते हैं ताकि खुदावंद जैसे वो वर्शिप करे, खुदावंद होली स्पिरिट की प्रेजेंस खुदावंद इस जगह पर मौजूद हो यीशु के नाम से, ताकि तेरी कुदरत के साथ खुदावंद, होली स्पिरिट के साथ खुदावंद जिंदगियां खुदावंद बदले यीशु के नाम से कुदूस खुदावंद, और तेरी फेवर खुदावंद इस ऑल्टर के ऊपर मांगता हूं यीशु के नाम से कुदूस खुदावंद, और डे बाय डे खुदावंद ये ऑल्टर खुदावंद ब्लेस होती जाए यीशु के नाम से खुदावंद, और लोग खुदावंद वर्शिप के जरिया से खुदावंद, वर्शिप के वसीला से खुदावंद लोग आजाद हो यीशु के नाम से कुदूस खुदावंद, और खुदावंद ये चैनल खुदावंद डे बाय डे खुदावंद तरक्की करता जाए यीशु के नाम से, और लोग खुदावंद इसके वसीला से खुदावंद आजादी पाए, रिहाई पाए यीशु के नाम से, और खुदावंद तेरे बंदा को अभी से तेरे हाथों के अंदर देते हैं जो वर्शिप करने वाला कुदूस खुदावंद, और तेरी फेवर खुदावंद इस जगह के ऊपर और तेरे बंदा के ऊपर मांगते हैं कुदूस खुदा, और तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूं यीशु के नाम से, आमेन। शुक्रिया जी। हालेलुया। हम इसी तरह मजीद प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए, हमारे दरमियान बेटियां हैं, बेटी जशन है, जशन मकबूल, वो आएंगी और उनके साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। जोरदार तालियों में बेटी को दावत देते हैं कि वो आए और प्रस्तिश में हमारा साथ दें। हालेलुया। जोरदार तालियां बेटी के लिए, बेटी प्रस्तिश करने के। हालेलुया। मेरे तरफ से आप सबको सलाम, आप सब खुश हैं? हालेलुया। सबकी आवाज आनी चाहिए हालेलुया। जोरदार तालियां से सब खुदावंद के जलाल के लिए हालेलुया। प्रस्तुत करेंगे खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। आप सबसे गुजारिश है कि सब अपने कदमों पे खड़े होंगे और हम खड़े होकर खुदावंद के नाम की प्रस्तुत करेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे। हालेलुया।
मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, यीशु राजा दे खजाने आजो मैनू बरकत मिल जावे, यीशु राजा दे खजाने आजो मैनू बरकत मिल जावे, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, यीशु राजा दे खजाने आजो मैनू बरकत मिल जावे, मैनू बरकत मिल जावे, मैनू बरकत मिल जावे। हालेलुया, सबकी ताली की आवाज आ रही है, अपने कान हाथों को इस्तेमाल करके प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया, मेरा बलिदियो
हालेलुया जोरदार तालियां जिंदा खुदावंद के जलाल के लिए हालेलुया बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे बेटा बैठे आप शुक्रिया खुदावंद आपको बरकत दे मजीद अपने पाक नाम के लिए इस्तेमाल करता रहे इसी तरह मजीद प्रस्तुति करेंगे हमारे दरमियान भाई लियाकत हैं वो आएंगे और हम उनके साथ मिलकर एक गीत गाएंगे प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए हालेलुया जोरदार तालियों में भाई लियाकत को दावत देंगे कि वो आए और प्रस्तुति में हमारा साथ दें हालेलुया हालेलुया जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए उसकी हशमत के लिए हालेलुया सीमे आप सबको सलाम हालेलुया 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 मैं शुक्रगुजार हूँ भाई खुरम साहब का गुड शेपर्ड पूरी टीम का कि जिन्होंने हमें ये मौका बख्शा कि हम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें शायद कैसे वो लोग नहीं कर रहे लिखा जागो और दुआ करो इसलिए कि हमको तो चाहिए कि मिलकर खुदावन के नाम को जलाल दें जनाब डीकन साहब इन्होंने लिखे हुए गीत मैं आजकल गा रहा मैं इन्हों का भी शुक्र गुजार हाँ असी मिल के करांगे काम तेरे जिंदगी नू देन वालिया काम छड़ियों साडे लई तू जेड़े जिंदगी नू देन वालिया करांगे काम तेरे ओ जिंदगी नू देण वालिया सी मिल के करांगे काम तेरे करांगे काम तेरे जिंदगी नू देण वालिया
यसू साडा अजीला तो रहंदा साडे नाल भाइयों के इस्तेमाल करता रहे। हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे मजीद प्रस्तुति के लिए कि खुदाम इसी तरह अपने पाक नाम में हम सबको इस्तेमाल करता रहे। हमारे हाथ हमारे लब खुदाम की हुजूरी में इस्तेमाल होते रहे। हमारे दरमियान पास्टर मुश्ताक साहब हैं, वो आएंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, सभी आंखें बंद रखेंगे और दुआ करते रहेंगे। हालेलुया 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 प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा अज़ीम फातिमन यहोवा पा खुदा तू जो अज़ली अबदी जलाली मेहरबान यहोवा पा खुदा है, हम दिल से बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इस बड़े फजल बड़े रहम तरस के लिए मेरे खुदा, जो तूने हम सब पर किया कि हम सब तेरे कदमों में झुककर खुदावन तेरी कदम बोसी कर सके और खुदावन तेरे कदमों में अपने आप को पानी की तरह उंडेल सके और तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल दे सके, क्योंकि खुदाम तू ही जलाल का बानी और कामिल करने वाला खुदावन यीशु नासरी है। रबल फा जितनी तेरी भेड़े चरागाह की पा खुदा तेरे सामने सरनगु है खुदावन, एक एक जान को पा खुदाम तू छू लेना पा खुदा और बरकत से
ममूर कर देना और अपना जलाल यीशु मसीह के नाम से जाहिर करना खुदा। खुदा उन जिंदों पर पा खुदा, मैं तेरे कुदरत वाले हाथ को चाहता हूं मेरे खुदा, गाने वाले गलों पर मेरे खुदा मैं तेरी कुदरत को चाहता हूं मेरे खुदा, ताकि तेरी प्रस्तुति के वसीला से मेरे खुदा रबल फाश यहोवा पा खुदा बेदारी की रात तैयार हो सके मेरे खुदा, जब तेरा कलाम उतर आए तो बेदारी तेरा कलाम लेकर आए मेरे खुदा, ताकि प्रस्तुत रात तैयार कर सके, ताकि बेदारी आ सके पा खुदावन, ताकि हम तेरे नाम को जलाल दे सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के जलाल के लिए, खुदा के पाक रूह के लिए जो हमारे दरमियान है। हालेलुया, हमारे दरमियान प्रस्तार भाई शबाज भट्टी हैं जो रावलपिंडी से आए हैं, जोरदार ताली में भाई को दावत देते हैं कि वो आए और मजीद प्रस्तुति में हमारा साथ दें और हम सब मिलकर भाई के साथ खुदा के पाक नाम की इज्जत और जलाल दें। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम जलाली और बबरकतों में आप सबके सलामती हो, सारे सलाम। हालेलुया, शुक्रगुजार इस खुदा का जो बहरहाल हमें ऐसे मौके अता करता है कि हम उसकी पाक हजूरी में आकर उसके नाम की मदद सुनाई कर सके और उसके नाम को इस दौर जा देने वाले बने। सो एक दफा जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजा दें। सो आइए, मैं चाहूंगा कुछ लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद कर दें और अपने ध्यान अपनी सोच अपनी फिक्र अपने खुदा को तक करवा दें। लिखा ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। आइए अपने ध्यान अपनी सोच अपनी फिक्र अपने खुदा की तरफ लगा लें और कुछ लम्हा के लिए सब मेरी बहनें मेरे भाई मेरे बुजुर्ग दुआ करना शुरू करें। आइए बुलंद बाजू से मेरी बहनें मेरे भाई दुआ करना शुरू करें। बुलंद बाजू से हालेलुया। तेरा छूना मुझे कुवत से भरे, दुख की घड़ी में दलेरे करे। कहिए ईमान के साथ, तेरा छूना मुझे कुवत से भरे, दुख की घड़ी में दलेरे करे। जुम्बश आए वो कैसे जिस पे तेरा हाथ है। कहिए जुम्बश आए वो कैसे जिस पे तेरा हाथ है। मुबारक है वो जिसके तू साथ है। कहिए ईमान के साथ, मुबारक है वो जिसके तू साथ है। हालेलुया हालेलुया। कहिए ईमान के साथ, हालेलुया। आंखों को बंद रखेंगे, हालेलुया।
मेरे भाई अपना दाहिना हाथ अपने दिल पे रख लें और मेरे पीछे कहें, तेरे खून ने यीशु मैनो है पाक पवित्र कीता। जितनों का ईमान है मेरे साथ मिलकर कहे,
तेरे खून ने यीशु मैनो है पाक पवित्र कीता मेरे अंदर जिंदगी आई कहिए जपदा है उसनो पीता मेरे अंदर जिंदगी आई जपदा है उसनो पीता फिर दोसी दे खुल गए दवारे फिर दोसी दे खुल गए दवारे तेरे लौती धार तले मेरे दिल के पाप ने सारे तेरे लौती धार तले आइए जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं आइए इन तालियों के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तुति करेंगे कितने लोगों का ईमान है कि हमारी जरूरतों को खुदा पूरा करता है हालेलुया
बेशक हमारी जरूरतों को वही पूरा करते। एक दफा जिंदा खुदा की ये जोरदार तालियां हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि शेर बब्बर का बच्चा भूखा और आजतमंद रह सकता है, लेकिन मेरा तालीमदार कभी भूखा, मेरा तालीमदार कभी भूखा। मोहताज शेर दाजे बच्चा रहते तेरे गए, मोहताज शेर दाजे बच्चा रहते तेरे जय। तालिब खुदा दार जया रहंदा सब पूरियां करेगा बा, तेरिया जरूरतां सब
महबूब को तो नींद में ही दे देता है। हालेलुया। अपने तू तलाक तेरी
जिसने बड़े असल तरीके के साथ खुदाम की प्रस्तुति की है। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि खुदाम अपने लिए अपने बेटों को अपने बच्चों को तैयार करता कि वह अपनी आवाजों के साथ उसके पाक नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। हालेलुया। हम इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे मजीद प्रस्तुति के लिए। हालेलुया। सभी आंखें बंद कर लेंगे और दुआ करेंगे क्योंकि उसका पाक रूह हमारे दरमियान है। वो चाहता है कि हम संजीदगी के साथ उसकी हजूरी में रहें ताकि वो अपने आसमान को खोल दे। हालेलुया। मजीद प्रस्तुति के लिए दुआ करेंगे। हमारे दरमियान जे साल कॉलोनी से आंटी आई हैं, आंटी हनीफा, वो आएंगी और दुआ में रहनुमाई करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। सभी आंखें बंद करेंगे कि उसका पाक रूह हमारे साथ साथ है, हमारे दरमियान है। वो चाहता है कि हम बड़ी संजीदगी के साथ उसकी हजूरी में रहें। हालेलुया। कदूस मेहरबान सच्चे जिंदा बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं दिल और दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ क्योंकि तू कादरे मुतले सच्चा जिंदा खुदा है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने तालबों को नींद में ही दे देता है क्योंकि तू सच्चा जिंदा खुदा है। ना आसमान ते ना जमीन ते कोई ऐसा नाम पकारा गया है। ऐ जलाली अब्दी खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तेरे कलाम में लिखा है कि तू सच्चे परसार ढूंढता है जो रू और सच्चाई से तेरी परिशिश करते हैं। खुदाया, तेरा कलाम बयान करता है के साज और वाज और मिलता है और तेरा अबर चाहता है। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, इन बेटों को तेरे हाथ में देती हूँ। वो तेरे नाम से गला खोल कर तेरे नाम की मदद सराई की और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस पंडाल के लिए के खुदावन जो एक एक रू बदन सर तेरे के झुका है, एक एक को बरकत देना, छूना, मसा करना। दुआ करती हूँ इस चैलेंज के लिए खुदा बाप जो तेरे नाम से तैयार हुआ और जिस तूने तैयार किया कि तेरी प्रस्तुति तमाम कोने कोने तक पहुंचे और तेरा कलाम रूहे जमीन की तनहा तक पहुंचे। खुदावन तेरा कलाम बयान करता है कि जब तक मेरा कलाम कोने कोने पे नहीं फैलेगा मेरा आना नामुमकिन होगा। ऐ खुदाया तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू साथ रहना, मदद करना, इस चैलेंज के साथ रहना, इन बच्चों के साथ रहना, अपने खादमों के साथ रहना, इनको बड़ी बरकत देना। ऐ खुदाया इस पाक लहू को इस जगह पे लगाती हूँ, तेरे पाक फरिश्तों की बाढ़ को मांग लेती हूँ क्योंकि खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। तेरे कलाम में लिखा है कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादरे मुतले के साया में सकूनत करेगा। मैं खुदावन के बारे में कहूंगी वो ही मेरी पनाह, मेरा गढ़, मेरी चट्टान है जिस पर मेरा तवक्कल भरोसा ईमान है। ईमान के बानी कामल करने वाले खुदा,
तेरा शुक्र करिए क्योंकि तू डूंगे पानिया चो निकाल लेता है, तू अपने बंदों को कभी गिरने नहीं देता, तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। आसमान खोल, दुआ को सुन और कबूल कर, मांग लेती तेरे प्यारे बेटे अपने दम यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएंगे खुदाम के जलाल के लिए, उसके पाक रूह के लिए जो हमारे दरमियान है। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए हमारे दरमियान भाई सनी हैं, हम उनके साथ मिलकर प्रस्तिश करते हैं और इसी के साथ अपने हदीये नजराने हम खुदाम की हुजूरी में गुजराने हैं। मसीह यीशु के अजीम जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम, आप सबको सलाम, आप सबको सलाम। बहुत अच्छी प्रस्तुति की है भाई ने, खुदावंद उनको बरकत दे और यकीनन सब ने बरकत पाई होगी। हालेलुया, मैं कभी भी ये बात नहीं पूछता कि किस किस ने बरकत पाई है, क्योंकि जहां पे प्रस्तुति और सलाम की बात हो तो ये बात यकीनी है कि वहां पे बरकत मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रस्ताव ने भी अपना हक अदा कर देता, खुदा भी यहां पे मौजूद है, अब बारी है कि हम अपना हक अदा करें। हालेलुया, तालियां बजाएं। मैं शुरू से ही पीछे हूं, बल्कि सुबह से ही यहां पे मौजूद हूं। चंद एक लोग तालियां बजा रहे हैं, चंद एक लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ सुन रहे हैं। कोशिश करें कि प्रस्तुत को सिर्फ सुनना जो है ये मसीहियों का वतीरा नहीं है, बल्कि प्रस्तुत करना चाहिए। हालेलुया, कौन कौन प्रस्तुत करेगा मेरे साथ साथ? हले भी कुछ हाथ हले रहे, कौन कौन प्रस्तुत करेगा मेरे साथ? जिनके दो हाथ हैं वो दोनों बुलंद करें, अगर किसी का एक है तो वो खुदावन का शुक्र है, सबके दो दो हाथ हैं। हालेलुया, दिखाइएगा फिर से, इन्हीं हाथों से तालियां बजाकर खुदा की प्रस्तुति करेंगे। हालेलुया, आइए तमाम प्रस्तुति के लिए जो हो गुजरी साजिंदों के लिए और खुदावन के इस अमर के लिए, इस हजूरी के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे। उसके दूर के मसाले
आदर छा गया उसके रूह पे मसा का आदर छा गया उसके रूह पे मसा का आदर छा गया उसके रूह पे मसा का आदर छा गया उसकी कुदरत का देखो अमर छा गया उसकी कुदरत का देखो अमर छा गया इस जगह में भी आज अमर छा गया जिसका कोई ना जिंदगी मुझे
सच्ची जान पा दी
आंखों बंद करेंगे के लिए मार्फत खुदावंद फरमाता है कि ऐ आदमजात इन मुर्दा हड्डियों से सलाम कर। और बाइबल में लिखा है कि जब सलाम फरमाया गया तो हड्डियां हड्डियों से जुड़ने लगी और उन पर नशे चढ़ गए और उन पर गोश्त चढ़ने लगा और वो जीती जान हुई। बेशक जब खुदा बोलता है तो हड्डियां मुर्दा हड्डियां जिंदा हो रही है। जब खुदा का कलाम बोलता है तो बहुत सारी चीजें जो पॉसिबल नहीं है जो नामुमकिन है मुमकिन हो जाती है। तेरे कलाम दिया और इस खूबसूरत बयान का इकरार कीजिए कि खुदा तेरे कलाम की बातें जान डाल देती है। तेरे कलाम दिया जल्ला सच्ची जान बाज दिया तेरे कलाम दिया जल्ला सच्ची जान बाज दिया Oh, my God.
आंखें बंद रखेंगे क्योंकि उस वक्त आन पहुंचा है कि उसके पास कलाम को अपनी जिंदगी में लिया जाए। हालेलुया हालेलुया। सभी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। सभी सभी दुआ करना शुरू कर दें। हमारे दरमियान पास्टर खुरम शहजाद साहब हैं, वो आएंगे और पाक कलाम के लिए दुआ करेंगे कि आज जो खुरम के बंदा के वसीला से हम पाक कलाम अपनी जिंदगी में लें, पाक आवाज अपनी जिंदगी में लें, वो हमारी जिंदगियों के लिए, हमारे घरानों खानदानों के लिए भाई से बरकत ठहरे। हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड हालेलुया। आइए इसी मसा के अंदर खुदावन की हजूरी के अंदर अपने आप को पेश करना शुरू करें। आज यहोवा खुदावन खुदा आए खुदा खुदा यीशु नासरी जी यहां झुकी एक एक जान के लिए दुआ खैर बरकत और सलामती को चाहते हैं। आसमानी पिता यहोवा खुदा खुदा शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत लम्हात के लिए जो आपने हमारी जिंदगी के अंदर बख्श दिए। तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आसमानी पिता खुदा खुदा यीशु नासरी जी। मैं तेरे खादिम को, तेरे ममसू को, तेरे सूरमा को तेरे पाक लहू के अंदर डीप करता हूं। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा खुदा अपने बंदा का जोर बनना, अपने बंदा की कुवत बनना। आए खुदा खुदा यीशु नासरी जी यहां पर तेरा बंदा नहीं बल्कि तेरा पाक रू हमसे हम कलाम हो और हम तेरी आवाज से बरकत को हासिल करें। आए खुदा न खुदा यीशु नासरी जी इस पंडाल के अंदर जितनी भी जाने मौजूद हैं और ये आवाज जहां तक पहुंच रही है खुदा न खुदा सभी सुनने वालों को कलाम के वसीला से ब्लेस करना, बरकत देना और कलाम के वसीला से बदन की तमाम तर बीमारियां, कमजोरियां, रिकावटें, अबलीसी ताकतें खुदा बाप खुदा बेटे और खुदा रोल कुदस के नाम के वसीला से जाती रहे। बीमार बदन आजाद हो, अबलीस के जकड़े आजाद हो और नजात को हासिल करें और तेरे नाम की गवाही को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाने वाले बने। यहोवा पाक खुदा खुदा यीशु नासरी जी आज के पैगंबर को, आज के वाइज को तेरे सुपुर्द करता हूं, तेरे पाक हाथों के अंदर सौंप देता हूं, तेरे पाक लहू के अंदर डीप करता हूं। यहोवा खुदा खुदा यीशु नासरी जी आज की ब्लेसफुल वर्शिप के वसीला से हमने बरकत को हासिल किया है। आए खुदा खुदा परस्तारों ने तेरे खादिम के लिए, तेरे सुरमा के लिए जमीन को हमवार किया है ताकि तेरा जिंदवश कलाम और जो बीज है तेरा बंदा बो सके। और खुदा खुदा यीशु नासरी जी तेरे बंदा के बोलने के वसीला से हम सब के सब बरकत को हासिल करें और नजात को हासिल करें। यहोवा खुदा खुदा यीशु नासरी जी मेरी दुआ और इल्तिजा को सुन और पलट कर जवाब दे। ये सब कुछ मैं मांगता और पा लेता हूं अपने प्यारे खुदावन यीशु अल मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। शुक्रिया जी। जोरदार तालियों में हम खुदा के बंदा को दावत देंगे। पास्टर मकबूल साहब आएंगे और खुदा का जिंदगी बख्श पाकलाम हम सबसे शेयर करेंगे। जोरदार तालियां खुदा के पाकलाम के लिए, खुदा के बंदा के लिए।
ताकि जब कौम का बंदा बोले तो बहुत सारी जिंदगियां, बहुत सारे घराने बरकत हासिल करें। हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंत के जलाल के लिए। और खुदावंत के कलाम में यह लिखा है, वो कौन सा आदमी है जो खुदा से डरता और मेरे खादम की आवाज को सुनता है। यकीनन तभी हम अपने हाथ को बुलंद करेंगे, खुदावंद मैं हूं, जब हम यहां पर प्रेजेंट हैं, सुन रहे हैं, खुदा का डर हमारी जिंदगी के अंदर है, तभी हम अपने हाथों को उठाकर कहेंगे, खुदावंद मैं हूं। अजीजों, एक वक्त है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल से जब कोई बच्चा गैर हाजिर होता है, हाजिरी लगाई जाती है, तो जो बच्चे कल नहीं आए होते उनका सर नीचे होता है, उनको उठा के खड़ा कर दिया जाता है, तुम कल नहीं आए, तुमने कल का लेसन नहीं सुना। अजीजों, खुदावंत के कलाम में बड़ी खूबसूरत ये बात है कि वो कौन सा आदमी है जो खुदा से डरता और मेरे खादम की आवाज को सुनता है। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे और खुदावंद का पाक कलाम जो है हमारी जिंदगियों की रहनुमाई करेगा। जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए हम बजाएंगे। और खुदावंद जो है हमेशा से अपने लोगों की आवाज को सुनता, अपने लोगों की आवाज पे कान लगाता है और इस जीएस टेलीविजन बिशप पलूस मसीही जो इसको रन कर रहे हैं और खुदावंद के पाक कलाम में लोग तरक्की पा रहे हैं और जिंदगी के अंदर बदलाव और तब्दीली आ रही है। अजीजों, आज खुदावंद के पाक कलाम में से हम सीखेंगे जिंदगी बचाने की कोशिश। जिंदगी किस तरह बचाई जाए, इस पर फोकस करेंगे। और मैं और आप किसी को नहीं बता सकते, लेकिन खुदावंत का कलाम मुझे और आपको बताएगा कि किस तरह हम जिंदगी बचा सकते हैं। आए मेरे साथ खुदा के जिंदा पाक कलाम में से कलाम को खोलें। दानियेल, दानियेल 12 बाब और उसकी 3 आयत की तलावत करेंगे। लिखा है, और अहले दानिश नूरे फलक की मानित चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक होंगे सितारों की मानित अब्दो आबाद रोशन होंगे। यहां पर नेकी की कोशिश, एवेनी खुदा दा बंदा कहंदा, मैं खुश होया जिदो मैनू आखन लगे। आओ किथे चलिए, खुदा दे घर चलिए। कोई बहन, कोई बेटी, कोई खादम, कोई परस्तार, कोई डीकन एल्डर जा रहा है खुदा के घर में और साथ बैठे हुए को, खड़े हुए को कहे, आओ हम खुदा के घर जाएं। यह है नेकी की करना, जिंदगी
को बचाने की कोशिश। कलाम में हमने पढ़ा है अहले दानिश नूरे फलक पर चमकेंगे। अहले दानिश जो समझदार है, जो कलाम पढ़ते हैं, कलाम सुनते हैं, कलाम के मुताबिक अपनी तर्ज जिंदगी गुजारते हैं, वो आसमान पर नूरे फलक पर अजीजों, जिस तरह आसमान पर नूरे फलक चमक रहा है, इसी तरह वो रास्तबाज लोग, वो खादिम-ए-दीन, वो लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, खुदा की मुकद्दस महफिलें फराहम कर रहे हैं, वो सूरज की मानिंद चमकेंगे। और जिनकी कोशिश से, जो कोशिश कर रहे हैं, जो एल्डर है, डीकन है, मुबशर है, घर घर जाते हैं, कलाम सुनाते हैं, मनाती करते हैं और बजाने वालों को ढूंढते हैं, गाने वालों को ढूंढते हैं, उनकी कोशिश है ये। और वो खुदावंद के घर में नजर आए, वो कैंगो बजा रहा है, तबला बजा रहा है, ढोलक बजा रहा है, हारमोनियम बजा रहा है, किसी ने कोशिश की कि उसको खुदा के घर में वो ले आया। और जो लेके आया है वो सूरज की मानिंद चमकेगा, और जो आ गया है वो भी हमेशा के लिए सितारों की मानिंद चमकते रहेंगे। अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है, यकूब 5 उसकी 19वीं आयत में लिखा है, ऐ भाइयों, अगर तुम में कोई राह हक से गुमराह हो जाए और कोई उसे फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो किसी गुनाहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा, वो एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। जो गुमराह हो गया है, कई आपे गुमराह हो जाते हैं, मैनू मौका नहीं मिलिया, मैनू टाइम नहीं सी दिता, मैनू इस तरह नहीं किया, मैं नहीं जाना। असी सो वहां पर मजमा में उसको जो नहीं जा रहा, मजमा के लोगों से उसको कोई अजर नहीं, बैठे हुए लोगों से अजर नहीं, लेकिन जो खुदा के घर में रास्ती से ठहरा हुआ है, ईमानदारी से, परहेजगारी से आया हुआ है, वो और उसका बाप उसको अजर देगा। अजीजों, खुदावंद के कलाम में हमने पढ़ा है, ऐ भाइयों, अगर तुम में कोई राह हक से गुमराह हो जाए, सीधा चलते चलते वो किसी और तरफ चला जाए, नशे में चला जाए, जुआरी बन जाए, या कोई भी ऐसी बुरी आदत ले ले, और कोई उसको फेर लाए, क्या किड़ा काम करन दिया, ये तो ठीक नहीं है, जिंदगी ये कोई नहीं है, तू फना हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, घराना खराब हो जाएगा, ता मरे खुदावंद कलाम दे विच लिखिया वे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ अज किथे चलिए, यहोवा दे घर चलिए। मुबारक है वो लोग जो खुदावंद की चौखटों पर आते हैं, वो लोग, वो घराने, वो खानदान, वो इलाके, वो कबीले खुदावंद से बरकत पाएंगे जो उसके घर में आते हैं। आज इस चैनल के जरिए से दुनिया भर में अजीजों इन परस्तारों को सुना जा रहा है, जो हर हफ्ते नया खादम कलाम को पेश करता है, सुना जा रहा है हर रोज अजीजों
एक नई खुराक आपको मिलती है, और वही खुराक हमारी जिस्मानी कमजोरियों को खत्म करती है। लिखा है, इंसान रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि खुदा के कलाम से। और ये कलाम जो हम लेते हैं, जो हमें मिलता है, जो हम खाते हैं, ये हमारा जोर है, ये हमारी ताकत है। अजीजो, खुदावंद के पाक कलाम में दूसरा तिमोथी दो बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वालों की तरह पेश करने की कोशिश करें जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े। अपने आप नु ऐसरा पेश करो जिथे कारोबार करते पे हो, जिथे नौकरी करते पे हो, ताड़े उठन तो, ताड़े बैठन तो, ताड़े ओढ़न तो, ताड़े चलन तो, ताड़े बोलन तो, वो जानन कि तुसी खुदावन दे लोगो, तुसी यहावा दे लोगो, ताड़े अंदर खुदावन दी मसीहत है। ओहो ही कलाम साड़ी जिंदगी दी खुशनुदी है। अजीजो, खुदावन दे पाक कलाम दे वेचे पलूस रसूल बड़ी खूबसूरत गल करदा पिया है, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वालों की तरह पेश करने की कोशिश करें जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े। वो खुद शर्मिंदा हो जाए, हम किससे बात कर रहे हैं? ये तो परहेजगार है, ये तो दुआ गो है, ये रोजे रखने वाला है। वो आपके चाल चलन को देखकर आपसे रुख चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये खुदावंत करेगा। अजीजो, दूसरा पत्रस पहला बाब और उसकी 14-15 आयत में बड़ी खूबसूरत बात है, लिखा है, क्योंकि हमारे खुदावंत यीशु मसीह के बताने के मुआफिक मुझे मालूम हुआ है कि मेरे खेमे का घर घराया जानेगा। मैं क्यों ना ऐसी कोशिश करूं जिंदगी बचाने की कोशिश। पत्रस रसूल कहता है, मैनू पता है कि ऐ बदन फना हो जाना है, मिट्टी च रुल जाना है, ते मैं जिंदिया जी जिन्हें कि साह चलता पे है, जबान चलती है, अखां वेख सकदियां ने, तुर फिर सकना। खुदावंद दा पाक कलाम बड़ी खूबसूरत तरीके दे नाल सानू ए दसदा पिया, क्योंकि मसीह के बताने के मुआफिक आंदे यीशु मसीह दे दसन दे नाल मैनू पता चलिया वे कि मेरे खेमे का घर घराया जाने वाला है। मैं क्यों ना ऐसी कोशिश करूं कि मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद करें। अच्छा खादम सी ओदा बाप, ओदी मां बड़ी अच्छी खादमा सी, ओदे घराने दे लोग खुदावन दे मनन वाले सन, खुदावन दे नाल चलन वाले सन। कोशिश है, फिर ही उन्हें याद किया जाता है। आज असी खुदावन दे कलाम दे विच उन्हां नबियां पैगंबरां रसूलां शिगिरदां दे नाम लैने आ जिन्हां दा अजीजो इस कलाम दे विच ना है, इस मुकद्दस किताब दे विच ना है। अजीजो, खुदावंद दे पाक कलाम दे विच लिखिया वे पहला यूहन्ना 3 बाब उहदी 7वीं आयत, ऐ बच्चो किसी के फरेब में ना आना, जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। किसी के फरेब में ना आना। लोग वरगलांदे ने, लोग उस राह तो हटाना चाहते ने,
इन्हें भी बाइबल पढ़ लीए, ये भी खुदा दे घर जान लग पे है। अजीजो मोबाइल तुसी 50,000 का भी ले लेंदे हो, एदा छोटा जिहा हदिया वे मोबाइल जिंदगी नू तबाह कर देंदा है, उहदे वास्ते 50,000 ला देने आ, ते जिहड़ा जिंदगी नू आबाद करदा पिया है उहदा हदिया भी नहीं अही देंदे। भाई साहब आप ही दे दो, भाई साहब तुसी एह गिफ्ट सानू दे दो, एह गिफ्ट च लभन दे आ। खुदा ने सानू गिफ्ट दिता है, लेकिन अजीजो ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀਏ, ਜੇਬ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਫੋਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ 2-2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਲਾਦ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਕੇ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਔਰ ਕਦਮੋਂ ਕੇ ਲਈ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜੋ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਦਸਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾਣੀ ਪੇ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਭੈਣਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਐਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੱਲੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲੇ ਆ, 5-10 ਜਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਆਓ ਚਰਚ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂਰੇ ਫਲਕ ਕੀ ਮਾਨਿਦ ਚਮਕੇਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਜੀਲ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਗਨ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਫਜ਼ਲ ਅਨਾਇਤ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਉਹ ਘਰਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਕਾਬਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਿਆਏ, ਅਕਾਬੋ ਕੀ ਮਾਨਿਦ ਵੋ ਆਪਕੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਤਾਕਤ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਕੁਵਤ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅੱਜ ਹਮ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਮੈਂ GS ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪਰ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਕਿਉਂ ਜਾਊਂ, ਇਨਕੋ ਵੀ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਾਥ ਚਲਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਬ ਖੁਦਾ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇ ਆਤੇ ਹੈ ਤੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਆਜ ਮੁਝਸੇ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਦਾਨਿਸ਼
जो समझ रखते हैं, जो समझदार हैं, वो सूरज की मानी चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बथेरे साधक होंगे। जेड़ा भी कोशिश करे आओ चलिए खुदा दे कर, आओ खुदा दा कलाम सुन चलिए, आओ प्रस्तुत करन चलिए, आओ प्रस्तुत सुनने वास्ते जाइए। असीसो हर एक नु खुदा ने वखरा तोड़ा दिता है, उन्हें इस्तेमाल करो, अज इस्तेमाल कर लवो, क्योंकि हुण खुदावंद दे कलाम च लिखिया वे कि अब ऐसी देरी नहीं जैसे के बाज लोग समझते हैं। देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। वो दरवाजे ते खलोता जे अही कुंडियां मारियां दिया ने, असीसो दरवाजा खोल दवो। खुदावंद अंदर आना चाहता जे, नाल खाना खाना चाहता जे। खुदावंद जिदे नाल खाना खावे कैसी जबरदस्त गल है। इतों किसे जनरल कर्नल किसे तुसी वड्डे अफसर दे कोल जाना होए ते तुसी अपने आप नूं लश पश करोगे कि वी फलाने बंदे दे नाल अज खाना खाना है या बहना है। बादशाहां दे बादशाह दे कोल आण वास्ते असी टाइम नहीं करदे पे, असी कोशिश नहीं करदे पे साड़ी जिंदगी बदल जाए, साड़ी औलाद बदल जाए, साड़ी नस्ल चेंज हो जाए। असीसो खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है कि हमने अपने आप को उसके साथ जोड़े रखना है। मकाशफा 14 बाप उसकी 13 आयत में लिखा है, फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मबारिक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। जिन्होंने कोशिशां कीतियां ने, जिन्ना मेहनतां कीतियां ने, जेड़े खुदावंद विच ने, लोकी एसियां च बैठे ने ते असी गर्मी च दुआ करन दे आ, इबादत करन दे आ। अजीजो एहो ही नेकी, एहो ही कोशिश साड़ी जिंदगी नू सवार देगा, साड़ी जिंदगी नू बदल देगा, साड़े अंदर पाक रूह दी अग लग जाए ते खुदावंद साड़ियां जिंदगियां तो खुश होएगा। अजीजो खुदावंद का पाक कलाम बताता है, रूह फरमाता है कि बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। उनके अमाल उनके नाल जे जो कीता है ना वो ही नजर आना जे। जो एक औरत नू पकड़ के ले आए ते खुदा ने यीशु मसीह कोल नाले कहंदे अज ते पता चलेगा ना, यीशु मसीह नू जदों फड़नगे के पता चलिया जी केड़ी गल करेंगे। खुदा ने यीशु मसीह कहंदे वे नहीं, इनू ओ पत्थर मारे जेड़ा बेगुनाह है। खुदा ने यीशु उथे ना लिखन दिया वे जमीन ते लिखन दे ने ते सारे वेख के अखां खुलन दिया ने, मैं ऐ कीता सी ओ दौड़ गया, मैं मेरा ना है चले गए, कोई भी उत्थे ना रहा। असीसो अज असी भी वह कोशिश कर लिए कि सानू कोई वट्टा मारन वाला ना होवे, सानू कोई पत्थर मारन वाला ना होवे। ते खुदावंद यीशु कहंदा कि किसे ने तेनू पत्थर नहीं मारिया? क्या नहीं, उन्हें क्या जा फिर अज तो बाद तू गुनाह ना करी। खुदावंद फिर भी सानू छड्डन दे, अजे आंदा अज ही बदल जा, अज ही चेंजिंग आ जाए, अज ही निखार आ जाए, बदलाव आ जाए, तेरी जिंदगी सवर जाए, तेरे हाथ पैर काम करते पे ने। लिखा उसको पुकारो जब तक वो मिल सकता है, उसको पुकारो जब तक सांसें चल रही है। इस जिंदगी के अंदर काम करना चाहिए। लिखा जब तक, जब मतलब कब, जिन्ना चिर सह नहीं निकलन दिया पुकारो उन्हू, उन्हू बुलाओ वो सुनेगा। असीसो खुदावंद दे कलाम दे विच
बड़ी खूबसूरत पत्रस रसूल दी अगे एक आयते मुबारका असी सुनिए कि मसीह के बताने के मुआफिक मुझे मालूम हुआ है कि मेरे खेमे का घर गिराया जाने वाला है। हुण देर नहीं जे, बूहे ते खलोता जे। ए बदन कितों भी खाक बन सकदा है, इन्हे मिट्टी च रल जाना है, ते जिन्ना चिर सावां चलदियां पईआं ने खून काम करदा पिआ है, असी चल फिर सकने हैं, असी दस सकने हैं, असी बोल सकने हैं, कलाम पढ़ सकने हैं, कलाम सुन सकने हैं, ते असी खुदावंद दे नाल जुड़ जाइए, फिर खुदावंद सानू अपनियां बरकतां दे नाल नवाजेगा, ते हमेशा ए घराने खुशो खुरम रहेंगे। सो खुदावंद दा कलाम पढ़े ते सुन जानते खुदावंद दी बरकत होए। आए अपनी आंखों को चंद लम्हे के लिए बंद करेंगे। प्रेज गॉड, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे। हमारे दरमियान मुबशर डॉक्टर कालिब साहब हैं, मैं चाहता हूं कि वो सामने आए और कलाम मुकद्दस की शुक्रगुजारी करें। थैंक यू जी पास साहब। खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम दुआ करते हैं कलाम के हिस्सा के लिए, और प्रस्तज के वसीला से हमने बहुत ज़्यादा बरकत पाई और कलाम के वसीला से हमने बहुत ज़्यादा बरकत पाई है, इसके लिए हम दुआ करते हैं। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस मौका के लिए पैरिसु, जो तूने आज हमारी ज़िंदगी में बख्शा है पैरिसु, हम तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदगी और ज़िंदगी के तमाम तर नहमतों के लिए। हम तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमें दी हैं पैरिसु, तेरे घर में आने के लिए तेरा शुक्र करते हैं पैरिसु। हम तेरे घर में आए, प्रस्तज के वसीला से हमने बरकत पाई, जितने लोगों ने प्रस्तज की है पैरिस, उनको नाम बनाम बरकत देना पैरिस, उनको और मजीद बरकत देना, ताकि वो और भी अच्छे तरीके से तेरी प्रस्तज कर सकें। इसी तरह पैरिस, तेरे बंदा ने जो पाक कलाम सुनाया है उसके वसीला से हम जिंदगियों को बचाने की कोशिश कर सकें, हम जिंदगियों को बचा सकें तेरे कलाम के वसीला से। बिशप पौलुस साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे यीशु, जिनके वसीला से आज हम यहाँ जमा हैं उन सब के लिए तेरा शुक्र करते हैं प्यारे यीशु। उनको तूने विजन दिया और उन्होंने ये चैनल बनाया और लोगों की बरकत के लिए बनाया, ताकि इस चैनल के वसीला से लोग बरकत हासिल कर सकें प्यारे यीशु, उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं, उनको मजीद बरकत देना प्यारे यीशु। कलाम के हिस्सा के लिए दोबारा मिन्नत करते हैं प्यारे यीशु, जो कलाम का बीज हमारी जिंदगी में बोया गया है उसके वसीला से हम ढेरों बरकत हासिल कर सकें प्यारे यीशु। इस प्रोग्राम के इबादत के हिस्सा को तेरे जख्मी हाथों में देते हैं, तेरे खून में छुपाते हैं, जो तूने हमारी मदद और हिफाजत की शुरू से लेकर आखिर तक मदद की प्यारे यीशु। बाकी मांदा हिस्सा के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं, तुझसे मिन्नत करते हैं, बाकी मांदा हिस्से में भी हमारी मदद करना है। यीशु मसीह के कादर नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आखिरी हीलिंग प्रेयर हम करेंगे और खुदा के खादिम बिशप पालोस मसीह साहब सब आए हुए लोगों के लिए बरकत को चाहेंगे और आखिरी दुआ करेंगे। और मेरे अजीजो, वो ख़ास तौर पर उन बीमार बेटे बेटियों के लिए दुआ करेंगे जो इस वक्त इस उम्मीद से आए हैं कि मैं अपनी बीमारी से छुटकारे को हासिल करूंगा। हालेलुया। हमारे दरमियान खुदावन के खादिम परस्तार ब्रदर फारूक, जो के सिहाले से हमारे पास पहुंचे हैं, आपकी भरपूर तालियों में मैं उनको दावत देता हूं कि वो सामने आए और हीलिंग प्रेयर के दौरान वर्शिप में हमें लीड करें। और जब तक ये सेटिंग करते हैं, हमारे दरमियान खुदा के खादिम आज के वाइज पास्टर मकबूल साहब, आपकी भरपूर तालियों में मैं एक बार फिर उनको सामने बुलाऊंगा कि वो सामने आए, और खुदा के बंदा डॉक्टर कालिब साहब से इल्तमास करूंगा कि खुदा के बंदा को माला पहनाकर उनको गुड शबद टेलीविजन पर वेलकम करें।
जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। और इसी के साथ खुदावन की खूबसूरत आवाज को लेकर आने वाले परस्तार, खुदा के बंदा परस्तार शबाज भट्टी साहब जो रावरपिंडी से हैं, आपकी भरपूर तालियों में मैं उनको भी दावत देता हूं कि वो भी सामने आए और इनको माला पहनाकर हम गुड़शब टेलीविजन पर वेलकम करेंगे। और इनको माला पहनाने के लिए खुदा के बंदा ब्रदर सनी शादल को मैं दावत दूंगा गुड़शब टेलीविजन की जानिब से आपकी भरपूर तालियों के साथ कि वो आए और खुदा के बंदा को वेलकम करें। जोरदार तालियां मेरे अजीजों, जोरदार तालियां। और अब चाहते हैं कि आप लोगों के लिए आंसुओं के साथ दुआ की जाए। कितने चाहते हैं? सभी चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके घराने बहाल हो, अपने कदमों पर खड़े हो, हम हीलिंग प्रेयर करने को हैं। इस प्रेयर के दौरान मेरे अजीजों, खुदावन आपको ब्लेस करेगा। जो हल चलाया गया जमीन के ऊपर और जो बीज खुदा के खादिम के वसीला से बोया गया, अब वक्त है कि दुआओं के वसीला से वो बीज आपकी जिंदगियों के अंदर फलदार साबित हो, एक फलदार दरख्त बनकर आपकी जिंदगी के अंदर निखारे। मेरे जीजो, आंखों को बंद करके अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा ले, मुझे न देखें, टीवी स्क्रीन को न देखें, बल्कि रूहानी आंखों के साथ अपने नजात दहिंदा खुदावन यीशु अलमसीह को देखें, यीशु अलमसीह को देखें। खुदा आपसे बात करने को है, खुदा आज इस वर्शिप सॉन्ग के वसीला से आपको ब्लेस करने को है। प्रेज गॉड, हालेलुया, तेरा शुक्र अदा करते हैं मसीह के जलाली रूह का नाम आप सब को सलाम। हालेलुया, मैं शुक्रगुजार हूं जिस टीवी का भी जिन्होंने मौका दिया कि हम यहां पर आकर गीत गा सके। तो हम गीत गाएंगे, मेरा दिल भी तेरा है, मेरी जान भी तेरी है, साबिल कर गाएंगे तालियों के साथ। प्रेज हालेलुया, मेरा दिल भी तेरा है, मेरे जीजो हर एक लब खुलना चाहिए दुआ में, दुआ में हर एक लब खुलना चाहिए। मेरा दिल हालेलुया तेरा है, मेरी जान सलाम मैं। हर शैतान मलिक तू, हर शैतान मलिक तू, कोई शैना मेरी है, मेरा दिल तेरा है, मेरी जान। अपने बदलों को इस्तेमाल करना शुरू करें, अपने बदलों को इस्तेमाल करना शुरू करें मेरे जीजो, अपने लबों को इस्तेमाल करना शुरू करें, जुबानों को बोलना शुरू करें, हाथों को इस्तेमाल करना शुरू करें। हालेलुया मेरे जीजो, आज वक्त है खुदावन आपको बोले बोले भाई मेरी आयत में चाहता वो भी आ जाए, बोले बोले भाई। थैंक्स लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं। सब रिश्ते झूठे ने, सब नाते कच्चे ने, प्रेज़ हालेलुया। सब रिश्ते झूठे ने, सब नाते कच्चे ने,
एक तेरे सिवा शाफी सपना दे सजने दुनिया विच हर पासे दुनिया विच हर पासे बस हेरा फेरी आवाज के साथ मुर्शिद करते हुए हाथों को उठाकर हाथों को ऊपर उठा के तालियां बजाते हुए तालियां बजाते हुए मेरे जिसे अगर रापा करना है खुदा से मेहनत करना शुरू करें पुकारना शुरू करें उसको पुकारें। कलाम में लिखा हुआ है कि तू अपने गले को खूब खोल तो मैं उसे बरकतों से भर दूंगा। जब तक आप अपने गले को खूब नहीं खोलोगे वो आपको बरकत नहीं देगा। रब तो डर देने हालेलुया। ए लोग की कर देने ना रब तो डर देने इंसान देख रहा हूँ मेरी इंसान पे पीछे कुछ लोग ऐसे हैं जो तालियां नहीं बजा रहे। सबसे इतमास है अपने बदनों को इस्तेमाल करें खुदावंद के जलाल के लिए। मेरा हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है कि बस तुम खून से खरीद गए हो अपने बदनों से खुदावंद के जलाल को जाहिर करो। कोशिश करें कि आपके बदन के वसीला से आपके साथ खड़ा हुआ भाई बरकत को हासिल करें। आपकी दुआ के वसीला से आपके पास खड़ी हुई बहन बरकत को हासिल करे। बुलंद आवाज के साथ हाथों को बढ़ाएं। तेरा शुक्र अदा करते हैं यहोवा खुदा खुदा ये सुना सुने उसके नथरों के अंदर खुदावन ने अपनी जिंदगी का दम फूंका तब वो जीती जान हुआ। इसका मतलब है कि जो सांसें आपके अंदर हैं वो खुदावन की दी हुई हैं और जो दिल है वो खुदावन का दिया हुआ है। ये कहना शुरू करें ए लोग की कर देने ना रब तो डर देने तेरा है मेरा दिल भी तेरा है। हालेलुया तेरी है
इसी मसा के अंदर अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और बुलंद हाथ करके और बुलंद आवाज के साथ दुआ करना शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम जितने भी खादमीन उडेन खादम जितने भी यहां पर मौजूद हैं, पास्टर हजरत मुबशर, वो यहां पर सामने आ जाएंगे, सामने नीचे वाली रो में, और अपना मुंह कलीसिया की तरफ करेंगे। खुदा के खादिम गुड़शब टेलीविजन के चेयरमैन बिशप पालूस मसीह इन तमाम पर लोगों के लिए बरकत और सलामती को चाहेंगे, बीमारों के लिए दुआ करेंगे, और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इनके साथ आप सब लोगों के लिए बरकत का वसीला ठहरे। प्रेस हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं, हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें और बुलंद आवाज के साथ दुआ करें। जो लोग बीमार हैं अपने दिलों के ऊपर हाथ रखें, उनके बदन के अंदर जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, ईमान रखें। खुदा के खादिम के दुआ करने के वसीला से खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस के वसीला से तमाम तर बदन बीमारियों से आजाद होंगे। दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। मेरे अजीजो, आपकी ये आवाज आसमान तक जानी चाहिए, आलमे बाला तक जानी चाहिए, क्योंकि ईमानदार के लफ्ज जमीन पर रुकते नहीं, ईमानदार के लफ्ज अबलीस चुराता नहीं, बल्कि कलाम कहता है रास्तबाजों की दुआओं के असर से शहर सरफराजी पाते हैं, रास्तबाजों की दुआओं के असर से बीमार शिफा पाते हैं। ईमान रखें इस बात के ऊपर कि जब खादिम आपके लिए दुआ करेगा, आपकी तमाम तर बीमारियां जाती रहेंगी, कमजोरियां जाती रहेंगी, बदन की तमाम तर दर्दें जाती रहेंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यस सर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने सर को झुकाए रखें, अपनी आंखें बंद रखें और हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। खुदा का तख्त यहाँ पर लगा हुआ है, खुदा का पाखू यहाँ पर मौजूद है, आमीन, वो आपके लिए यहाँ पर मौजूद है, वो आपको चुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है, वो आपकी जिंदगी में काम करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है जहाँ कहीं भी दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उसके दरमियान हूँ। हमारा ईमान है कि हमारा खुदा हमारे दरमियान है, हमें छूने के लिए, अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए, अपने जलाल को जाहिर करने के लिए वो आपके दरमियान मौजूद है। मेरे अजीजो, अपनी जुबानों को खोले और खुदा से कहें कि आपके मुंह को भर दे, आपको छुए, आपकी जिंदगी में काम करे, उससे मौजूदा मांगे, उसके आगे दरख्वास्त करें। मेरा ईमान है कि आज आप यहाँ से खाली नहीं जाएंगे, मेरी बहन आप यहाँ से खाली नहीं जाएंगी, मेरे भाई आप यहाँ से खाली नहीं जाएंगे। मेरा ईमान है कि खुदा आपकी जिंदगी में आज काम करेगा, और तमाम खातों से दरख्वास्त है, तमाम खातों से दरख्वास्त है कि वो जो खड़े हैं पादी साहिबान और मुबशर साहिबान, मैं चाहता हूं कि जो भी दुआ के लिए खड़े हुए हैं आप एक एक करके जाके उनके सरों पर हाथ रखें और दुआ करें, एक एक जाए और उनके सरों पर हाथ रखें और दुआ करें। मैं आपके साथ मिलकर दुआ करूंगा। मेरा ईमान है कि आज अजीब काम होगा, आज जलाली काम होगा, आज खुदा अपने हाथ को बढ़ाएगा और तमाम आदमी जो है वो चले जाए, तमाम जितने भी खड़े हैं दुआ करवाने के लिए उनके पास चले जाए। हालेलुया, जो चाहते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, अगर वो आगे आ सकते हैं तो वो आगे आ जाए, उनके लिए दुआ करें। जैसे भी आप मैनेज कर सकते हैं
आप हाथ रखकर दुआ करें, हाथ रखकर उनके ऊपर दुआ करें। प्रेज हालेलुया। आगे आ सकते हैं आप, आगे भी आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक्स लॉर्ड, हालेलुया। हाथ रखकर दुआ करें, हाथ रखकर दुआ करें, खुदा ताकि खुदा का रूह अजीब तरीके से काम करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दुआ करें बीमारों के लिए, जरूरतों के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ तेरी तस्बीह करते हैं। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो अल्फा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा है, ऐ खुदावन मदद करते हैं तेरे बेटे बेटियों के लिए। ऐ खुदा मैं मदद करता हूँ, ऐ खुदा तेरे पास आता हूँ, तेरी हजूरी में आता हूँ, ऐ खुदा तेरे आगे सर नकुल होता हूँ और मदद करता हूँ। खुदावन अपने बेटे और बेटी को छू रहे यीशु के नाम में, छू रहे यीशु के नाम में, छू रहे यीशु के नाम में। तेरे बेटे की बीमारी तेरे यीशु सामने जाती रहे, तेरे बेटे की बीमारी तेरे यीशु सामने जाती रहे। बेटे की मुश्किल तेरे बेटे की मुश्किल तेरे यीशु सामने जाती रहे। तेरे यीशु सामने मृत्यु का जाती है, तेरे यीशु नाम में मुर्दे जिंदा होते हैं, तेरे यीशु नाम में अंधे देखते हैं, तेरे यीशु नाम में तगड़े चलते हैं, तेरे यीशु नाम में कोढ़ी पाक साफ होते हैं, तेरे यीशु नाम में जिंदगी बहार होती है, तेरे यीशु नाम में बंधन अपनी बंदी के रेस्टर, तेरे यीशु नाम में यीशु के नाम के अंदर, यीशु के नाम के अंदर, आमीन, आमीन। मिलते हैं खुदावन, मिलते करता हूं तेरे कानों के सामने बीमारियां, नाराजगियां, यीशु के नाम से के नाम में खुदावन उसको औलाद जैसी पता कर। आमीन, आमीन। चुने यीशु के नाम में, चुने यीशु के नाम में सारी बेऔलादी की तस्वीरें तेरे यीशु नाम में जा जा। यहोवा खुदावन खुदा यीशु नाम से खुदावन ने सबका हो बेटी का बड़ा ईमान है। कोई भी जो गुर्दे का मरीज है, असर होती है खुदावन खुदावन खुदा यीशु मसीह जी, जो कोई तेरे का मरीज है साथ मुतफिक होकर तेरी बेटी को तेरे पाक लहू के अंदर पीट का मरीज है, तेरे पाक लहू के अंदर पीट का मरीज है। आसमान यीशु नाम के अंदर मालिक छू रहे यीशु के नाम के वसीला से इसके बदन की तमाम बीमारी जाती रहे, यीशु के नाम से बीमारी जाती रहे, यीशु के नाम से जाती रहे, छू कर जाती रहे यीशु के नाम में। यहाँ पर कोई अपने हालात से परेशान है, मैं खुदावन मिन्नत करता हूँ उसके घर के हालात तेरे यीशु नाम में ठीक हो जाए। अपनी बहन को तेरे सुपुर्द करता हूँ, सारे अब्लीस के पंखों तेरे यीशु नाम में टूट जाए, अब्लीस के पंखों टूट जाए, की बीमारियाँ शैतानी खुले, अपने हालात तेरे यीशु नाम में ठीक हो जाए। खुदा बेटे और खुदा नाम के वसीले से आसमान तेरा खुल जाए, एकदम आसमान तेरा खुल जाए और एकदम आसमान से एकदम वाहिया हो। एकदम मिन्नत करता हूँ अपनी बेटी को छूले, अपने बेटे को छूले यीशु के नाम में। खुदावन की जिंदगी में बड़ा काम कर, बड़ा जलाली काम कर, छूले 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 यीशु के नाम में, छूले यीशु के नाम में, छूले यीशु के नाम में, एक एक जिंदगी को छूले यीशु के नाम में, एक एक जिंदगी में बड़ा काम कर खुदावन। यहाँ पर कोई मौजूद है खुदावन जो खुदावन खोया हुआ है, जो तुझसे दूर है, ऐ खुदावंद तू उसको करीब लाना चाहता है, ऐ खुदा छू रहे यीशु के नाम पे, जिंदगी में तब्दीली आ जाए, जिंदगी बदल जाए यीशु के नाम पे। ऐ खुदा मिन्नत करता हूँ, मौजूदा कर, मौजूदा कर, ऐ खुदावंद अपनी कुदरत को जाहिर कर,
तेरे लोगों को तेरे लहू में छुपाता हूँ, तेरे कभी और चोरा और हाथों में देता हूँ, तेरे बेटे को तेरी बेटी को खुदा तेरे हाथों में देता हूँ। एजलाल के बादशाह छू लेंगे यीशु के नाम में, बड़ी बरकत दे, ब्लेस कर ब्लेस कर ब्लेस कर ब्लेस कर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ब्लेस कर रहे खुदा खुदा तेरा शुक्र हो, रहम कर फजल कर रहे खुदा खुदा तेरा शुक्र हो, खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हमारा ईमान है, तूने हमारी दुआओं को सुना है, तूने अपना कान लगाया है, खुदा तूने हमें जवाब दिया है, तेरा शुक्र हो। तेरे पाक और मुकद्दस यीशु नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मैं चाहता हूं कि मुल्क पाकिस्तान के लिए, आज के हदिया जात के लिए, तमाम तर आए हुए लोगों की सलामती के लिए और इस हीलिंग प्रेयर की सलामती के लिए खुदा के खादिम बिशप पालूस साहब के साथ मिलकर हम इन सारी बातों के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और अपने हाथों को उठाएं अपने मुल्क के लिए, खास और मुल्क के पाकिस्तान के लिए, जो अबलीस इंतजार फैला रहा है, जो अबलीस हमारे मुल्क में है बद अमली फैला रहा है, हम दुआ करें कि खुदा इन सब चीजों को कंट्रोल करे। ऐ खुदावंद कारी मुद्दिक खुदा, तेरे पास आते हैं, तेरी हजूरी में आते हैं और विनत करते खुदा मुल्क के पाकिस्तान के लिए, जो तूने हमें दिया है, जो तूने एकदम बड़ी कुर्बानियों से हमें दिया है, एकदम जो हमारी नस्लों के लिए है, जो हमारे बहन भाइयों के लिए है, बच्चों के लिए है, अजीजों के लिए है, हमारे कलीसियाओं के लिए है, एकदम इस मुल्क को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे सुपुर्द करते हैं, मिन्नत करते हैं खुदावंद, अपना हाथ रहा एकदम चारों कोनों से, हर तरफ से एकदम इस मुल्क पर अपना हाथ रहा और इस मुल्क अपना रहम कर फजल कर रहे खुदावंदा, मिन्नत करते खुदावंद, सारी बदअमनी, सारी लड़ाई झगड़े, सारी नाइंसाफियां ऐ खुदावंद तेरे यीशु नाम में जाते हैं, सारे अबलीस के प्लान, मकारी के प्लान जो इस मुल्क के खिलाफ है, ऐ खुदावंद जो इस मुल्क की फोर्सेस के खिलाफ है, ऐ खुदावंद जो इस मुल्क के निजाम, ऐ खुदावंद इसके खिलाफ है, ऐ खुदावंद तेरे यीशु नाम में इसको नाबूद हो जाए। लीडरशिप को मजबूती दे, इदारों को मजबूती दे, प्यार मोहब्बत पैदा कर और जो इस मुल्क के लिए अबलीस के मंसूबे बनाए रखा है वो सारे अबलीस के मंसूबे फेल हो जाए। ऐ खुदा इस मुल्क को तेरे लहू में छुपाते हैं, इस मुल्क को तेरे हाथों में देते हैं, मिन्नत करते हैं रहम कर फजल कर ऐ खुदा खुदा, इस मुल्क की हिफाजत कर ऐ खुदा, इस मुल्क की इकॉनमी के लिए दुआ करते हैं, इस मुल्क के माली हालात बेहतर हो ऐ खुदा, माली हालात को माली इस मुल्क के माली हालात को तेरे हाथों में देते हैं, मिन्नत करते हैं रहम कर फजल कर ऐ खुदावंद, मिन्नत करता हूँ अपने लोगों को छू जिन्होंने खुदावंद तेरे दिए उनमें से दिया है, ऐ खुदावंद जिन्होंने मुट्ठी खोली है, जिन्होंने खुदावंद तुझे ब्लेस किया है, ऐ खुदावंद तेरी बादशाही के लिए दिया है, ऐ खुदा मिन्नत करता हूँ तू उनको ब्लेस कर, उनको छू ले ऐ खुदावंद, उनके कारोबार वसाइल को छू ले, उनकी घरानों को छू ले ऐ खुदा, उनकी नौकरियों को छू ले ऐ खुदावंद, ताकि किसी भी चीज की कमी ना हो, बरकत पर बरकत मांग लेता हूँ, बरकत पर बरकत ऐ खुदावंद जो तेरे लोगों ने दिया है ऐ खुदावंद उन पर बरकत मांग लेता हूँ, अपने कादम को पास्ते मकबूल को जिन्होंने बड़ा ही खूबसूरत कलाम पेश किया, जिंदगी पर कलाम पेश किया, अपने कादम को छू ले खुदावंद, अपने कादम को बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर खुदावंद खुदा, क्योंकि यकीन में खुदा तू रूहों की निजात चाहता है, तू रूहों की बहाली चाहता है, तू चाहता है कि लोग बच जाए, तू चाहता है कि लोग निजात पाए, तू चाहता है कि लोग जिंदगी पाए,
तू चाहता है कि गिराने बहार हो ऐ खुदा, उन अपने खादिम को बड़ी बरकत दे इस खूबसूरत सलाम के लिए, और जितने भी परेशान जिन्होंने प्रस्तुति की ऐ खुदावंद, साजों के वसीला से, आवाजों के वसीला से ऐ खुदावंद मिन्नत करता हूँ, तमाम को बड़ी बरकत दे, तमाम को बड़ी बरकत दे खुदा, छू ले खुदा और अपने जलाल के लिए और कसर से इस्तेमाल कर अपने खादिम पास्टर खुरम को, ऐ खुदावंद खुरम से रात अपने जलाल के लिए कसर से इस्तेमाल कर ऐ खुदावंद खुदा, ऐ शमाउन नजीर को कसर से खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर ऐ खुदावंद, मिन्नत करता हूं कि खुदा मेरी बादशाही की कुर्सी बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए यीशु के नाम में, और खुदावंद बहुत सारी रूहें पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, जीएस टेलीविजन के वसीला से खुदावंद तेरे गल्ला में शामिल हो, ऐ खुदावंद खुदा तेरा कलाम ज्यादा से ज्यादा तेरा कलाम फैलता जाए यीशु के नाम से, फैलता जाए यीशु के नाम से, ऐ खुदावंद अब्लीस के बंधन टूटते जाए यीशु के नाम से, ऐ खुदावंद अब्लीस जो रुकाव से चलता है वो कभी भी कामयाब ना हो, बल्कि खुदावंद तेरे कलाम की मुनादी हो, तेरी बादशाही की मुनादी हो, और हम सब मिलकर खुदावंद प्यार मोहब्बत में तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते जाए देते जाए, ऐ खुदावंद मिन्नत करता हूं जितने भी इंतजामिया है ऐ खुदा, जिन्होंने कुर्सियां लगाई है खुदा, कारपेट बिछाए हैं ऐ लाइटें लगाई है खुदा, साउंड सिस्टम वाले भाई सक्रैन को ऐ खुदा, उन सबको एल्डर ऐ खुदा, उन रुबानस भाई को, आशीष भाई को ऐ खुदा, उन सबको बड़ी बरकत दे, एक एक को छू ले खुदा, ताकि खूबसूरती के साथ इसी तरह खुदा तेरा काम करते रहे, खुदा ब्लेस कर हमारी बहनों को, बहन परवीन को, अम्मा दीपा को, बहन आदरा को, खुदावंद सबको छू ले, बहन एमिस को ऐ खुदावंद एक एक को छू ले यीशु के नाम में, इनके बच्चों पर खुदावंद तेरा हाथ हो ऐ खुदावंद, इनके बच्चे ऐ खुदावंद तेरे कलाम की मुनादी के लिए तैयार हो खड़े हो ऐ खुदावंद, तेरे बादशाही के लिए खुदावंद खड़े हो यीशु के नाम में, ऐ खुदा मिन्नत करता हूँ खुदा उन इन खानदानों पर, इन पर फैमिली पर तेरा हाथ हो खुदा उन, खुदा मिन्नत करता हूँ खुदा उन अपना हाथ बढ़ा और अपने पाक रूह की आग को कसरत से नाजिल कर, ऐ खुदा उन मिन्नत करता हूँ बहन हनीफा के लिए, बुजुर्ग हनीफा के लिए खुदा उनके साथ आई हुई सारी टीम के लिए, ऐ खुदा उन पास्टर नासर के लिए खुदा, उन सब खादमों के लिए ऐ पास्टर मुश्ताक के लिए, सबके लिए तेरी बड़ी बरकत मांग लेता हूँ खुदावंद, एक एक को छू ले यीशु के नाम में, और जिनका नाम लेना भूल गया हूँ खुदावंद उनको तू जानता है, छू ले यीशु के नाम में, ब्लेस कर, तेरा शुक्र हो तूने बड़ी हिफाजत निगहबानी की, बड़ी मदद की, तेरे पाक और मुकदस यीशु नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। तेरी बात सही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जों को माफ करते हैं हमारे कर्जों को माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, तुझे बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा सत्य रहे, आमीन। कलमाते बरकात खुदा के खादिम बिशप पालू साहब के साथ लेंगे। हेलो, सर कलमाते बरकात से रुखसत करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप से मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आप से लेकर हमेशा तक दुनिया के तमाम मसीह मुकद्दसीन ईमानदारों राजदूतों के साथ और खास आप सबके साथ, एक एक के साथ, आपके घरानों के साथ, ऐ खुदावंद आप खादिमों की कलीसियाओं के साथ अब से हमेशा तक होता रहे, आमीन। और खास तौर पर मुल्क के पाकिस्तान के साथ होता रहे, आमीन। आप सबसे इल्तमास की जाती है, सिर्फ दो मिनट लूंगा, बैठ जाएं।
चंद जरूरी ऐलानात हैं। मेरी आपसे इल्तमास है कि जितने भी यहाँ पर लीडर बैठे हुए हैं, जो चर्चों को चला रहे हैं, कलीसिया को देख रहे हैं और जो डोर टू डोर विजिट करते हैं, खास तौर पर एवेंजलिस्ट, आप सब से इल्तमास की जाती है हर जुमेरात को अगर मौसम खराब होता है तो यहाँ चर्च हॉल के अंदर, और आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेजी के साथ जारी है, हम ये चर्च ऊपर हॉल में शिफ्ट कर रहे हैं और मजीद लोग भी आ सकते हैं, दूसरों को भी लेकर आए। आज का जो कलाम था वो यही था कि आपके वसीला से दूसरे भी बरकत पाएं, आपके वसीला से जो गुनाह के अंदर हैं वो नजात की तरफ आएं और अपनी बरकत को हासिल करें। और हर इतवार को जो लोग इतवार की इबादत में हमारे साथ शरीक होना चाहते हैं, हर इतवार को सुबह 11 बजे, मेरे अजीजों सुबह 11 बजे का टाइम इसलिए रखा गया, और भी चर्चेस यहां पर मौजूद हैं ताकि वहां के लोग डिस्टर्ब ना हो और वो लोग फ्री होकर हमारे साथ मिलकर इबादत कर सकें। सुबह 11 बजे जरूर आएं और अपनी बरकत को हासिल करें, और खास तौर पर जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्टें हैं, और मेरे अजीजों आपके चर्चेस के अंदर जो संडे स्कूल के बच्चे हैं उनकी जो वीडियो है, आपके पास नंबर पहुंचा हुआ है चैनल के ऊपर स्क्रीन पर, नंबर चल रहा है व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर भेज सकते हैं और वो चैनल पर चलाई जाएंगी। और मेरे अजीजों इस चैनल के साथ मिलकर अपनी खिदमत को सर अंजाम दे। कल भी बिशप साहब ने ये बात अनाउंस की थी कि ये चैनल गुड़शवर टेलीविजन जो है, ये बिशप पालूस मसीह और उनकी टीम और उनकी अहलिया का नहीं, बल्कि ये चैनल मुल्के पाकिस्तान के अंदर रहने वाले कलीसिया और यहाँ से दूर रहने वाली कलीसिया जितनी भी है सबका ये चैनल है, सब इसके ऊपर आकर खिदमत कर सकते हैं। आज जैसे खुदा के खादिम पास्टर मकबूल साहब ने इस प्लेटफॉर्म पर आकर कलाम की मुनादी की, हम और भी दीगर ब्लेसफुल खादमों को इनवाइट करेंगे, लेकिन जरूरत आप लोगों की है कि आप और ज्यादा लोगों को यहां तक लेकर आए और उनकी नजात का वसीला बने। हालेलुया बिशप पालूस साहब के लिए और गुड़शवर टेलीविजन के लिए और सारी टीम के लिए और उनकी अहलिया और उनके घराने के लिए, मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां बजाई जाए। ये इबादत आप लोग अकेले नहीं देख रहे, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर लोग आपके साथ बैठकर देख रहे हैं। और मैं आखिर में बताता चलूं कि जो पासवान हैं, जो लीडर हैं, उन लीडरों के लिए ये बुक है सच्चाई की बुनियाद, जिसका तर्जमा खुदा के खादिम सीओ गुड़शवर टेलीविजन बिशप पालूस मसीह साहब ने किया है। और उनकी भी ये ख्वाहिश है कि जितने भी लीडर एवेंजलिस्ट हैं जो खिदमत करते हैं कलीसिया के अंदर जाकर, जो खिदमत करते हैं कलीसिया को खुदा के कलाम की, उन सब को ये दी जाए, वो इसको पढ़ें और बरकत को हासिल करें। मुझे पता है कि कौन कौन से पास्टर्स हैं यहाँ पर और कौन मुबशर हैं और कौन खुदा की खिदमत कलीसिया के अंदर जाकर करते हैं, मैं नाम अनाउंस करता हूँ। मेरी इल्तमास है खुदा के बंदा एल्डर शमाउन साहब से कि वो सामने आए और अपने हाथों से ये बुक जो है खुदा के खादमीन में डिस्ट्रीब्यूट करें। पहले मैं दावत दूंगा खुदा के खादिम पास्टर मकबूल साहब को कि वो सामने आए, और इस सारी कावश के लिए आप लोगों की तालियां नहीं रुकनी चाहिए। आपको पता है कि जब एक बुक तैयार की जाती है तो उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। मैं दावत दूंगा पास्टर मुश्ताक साहब को आपकी भरपूर तालियों में, वो सामने आए और इस बुक को रिसीव करें। ब्रदर फारूक
वो सामने आए आपकी भरपूर तालियों में। बाबर खोखर साहब वो सामने आए। जोरदार तालियां। मंजूर भाई और डॉक्टर कालब साहब और जो एल्डर डीकन है वो भी ले सकते हैं। मुबशर इकराम, पास्टर आसिम, और बहनों में से भी जो बहनें लीड करती हैं कलीसिया को, जो कलीसिया के अंदर जाकर खिदमत करती हैं अपनी तालीम की अजाफी के लिए, इसको ले सकती हैं। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। मैं चाहता हूं कि आंटी हनीफा वो भी आए, जो कि बहनों की मीटिंग भी चलाती हैं और बहनों में जाकर जो एल्डर डीकन, एल्डर डीकन और जो जो भी जो पढ़ना चाहते हैं उनको दें, बच्चों को छोड़ के जो जो चर्च में खिदमत करते हैं एल्डर हजरात और डीकन हजरात वो भी सामने आ सकते हैं। मुबशर शबाज हैं परस्तार, वो भी सामने आए। डीकन पत्रस, मेरे जीजो ये बुक लेने का मकसद, आप सब लीडर हैं कलीसिया के अंदर काम करते हैं, आप सबको बखूबी पता है कि इस बुक को हासिल करने के बाद क्या करना है, इसको पढ़ना है और इसके मुताबिक अपनी खिदमत भी सर अंजाम देनी है। और ख़ास तौर पर जिन्होंने लिखी और जिन्होंने तर्जमा किया उन सारी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सर अगर कुछ कहना चाहते हैं आप तो। आज बस यही कहना चाहूंगा कि खुदा जो है वो अपनी कुदरत को जाहिर कर रहा है और ऊपर जो है वो हाल तैयार हो रहा है खुदावंद के वजह से। हो सकता है इतवार से पहले रेडी हो जाए, नहीं तो अगली इतवार से पहले अगली जुमेरात की तो इबादत जरूर ऊपर होगी खुदावंद के वजह से। तो चीजें जो है वो बेहतर होती चली जाएंगी। गुड शेपर्ड टेलीविजन को, इसकी सारी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इंजील का काम किया जाए, खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी की जाए, उसका कलाम जो है वो जिंदगियों में भरा जाए ताकि जिंदगियां जो है वो बरकत पाए। तो जरूर जीएसटीवी को और टीम को अपनी दुआ में याद रखें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। बहुत शुक्रिया। दूसरे की सलामती को चाहें और सलामती से अपने घरों को रुखसत हों। खुदावंद आपके साथ हो।